हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जादुई संख्या। केमिस्ट्री में जादुई संख्या क्या होती है उसे देखने वाले हैं। इसे मैजिक नंबर भी कहा जाता है। तो आधुनिक भौतिक सारणी में किस प्रकार से जादुई संख्या का उपयोग किया जाता है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और आपको समझ में आएगा कि इस जादुई संख्या का इस तरीके से जादू के रूप में हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं इस आवर्त सारणी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आपका जो जादुई संख्या होता है मैजिक नंबर वो किस प्रकार से यूज किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा क्या चीज हम लोगों को ज्ञात करने के लिए हम लोग जादुई संख्या का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग जादुई संख्या कैसे यूज करनी है उसको मैं बताता हूँ, साथ ही साथ आपको किस लिए जादुई संख्या यूज करनी है उसे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जादुई संख्या का उपयोग क्या होता है उसे बताता हूँ। जादुई संख्या का उपयोग इस आवर्त सारणी में आने वाली तत्वों के, जैसे 118 तत्व आता है इसमें, तो 118 तत्वों की उसके परमाणु क्रमांक निकालने के लिए जाता है। परमाणु क्रमांक को हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या का मान पता लगाने के लिए जादुई संख्या का उपयोग करते हैं। अगर आपको कोई जादू दे दिया जाएगा, जादुई संख्या दे दिया जाएगा, तो उस जादू का उपयोग आप किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जादुई संख्या क्या है वो बताता हूँ। जादुई संख्या जो होते हैं वो 6 नंबरों से मिलकर बना होता है। जो संख्या है मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको जादुई संख्या के लिए, वो है आपके पास 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ये 6 नंबर है, ये टोटल छह नंबर है। इन 6 नंबर को ही कहा जाता है जादुई संख्या। इस 6 नंबरों के समूह को हम जादुई संख्या कहते हैं। अब इस जादुई संख्या का उपयोग इन तत्वों के परमाणु क्रमांक निकालने के लिए किया जाता है। बात क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं इस आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों का परमाणु क्रमांक निकालते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस आवर्त सारणी में आपको नाम बता दूं कि इन आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। उसका ट्रिक मैं पिछले वीडियो में जब मैं आवर्त सारणी पढ़ा रहा था तो उस टाइम आपको बताया था, तो आप जाकर के वहां से ट्रिक समझ सकते हैं। और आज मैं फटाफट यहाँ पे आपको आधुनिक आवर्त सारणी को भर के बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए। जैसे इसके लिए बताया था ये आपका प्रथम समूह है, प्रथम वर्ग है, 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ये मैंने बता दिया था, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये आप क्या है इसको बताया था, ह ली न की र से फरिया, बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रथ, इस प्रकार से बताया था। फिर इसमें आ जाता है, ये बताया था मैं आपको, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर बताया था आपको, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये बताया था। फिर बताया था आपको, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, ये बताया था आपको। फिर बताया था आपको, ओल्ड स्टाइल से टी पियो, इस प्रकार से बताया। फिर आपको बताया था, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ये बताया था। फिर आखिरी बताया था आपको, टीना नीना और करीना के एक्सरे रंग, ये बताया था। फिर इसका मैं बता दिया था थोड़ा इसका, ये था आपका शक्ति, ये था शक्ति व कर्मन, शक्ति व कर्मन, शक्ति व कर्मन, शक्ति व कर्मन फेको निगुण जन, ये मैंने बताया था। तो इस प्रकार से इन तत्वों का मैं नामकरण की ट्रिक मैं पिछले वीडियो में देख चुका हूँ, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोगों को जो यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो रहेगा इस जादुई संख्या का किस तरीके से जादू की तरह उपयोग करेंगे इस आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये जादुई आपका नंबर है, जादुई नंबर है 6 नंबर आते हैं। इन 6 जादुओं नंबर का कैसे उपयोग करना है उसको ध्यान से देखिए। आपके पास नंबर कितने हैं? 6 नंबर।
उन छह नंबर का उपयोग आप सात तत्वों के लिए यूज करना है। कितने तत्वों के लिए? सात तत्वों के लिए। जैसे कि आपके पहले वाले समूह में इसलिए समूह में टोटल सात तत्व आते हैं, मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 सात तत्व आते हैं। इन सात तत्वों में आपको छह या दो नंबर का उपयोग करना है। उसके लिए एक बात और होती है, वो है आपको पहले वाले तत्व का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा, पहले वाले का इसका हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन पे बन जाता है। इसके लिए अगर बात करें तो ये आपका हो जाता है चौथे नंबर पे 1 4, फिर ये आपका हो जाएगा पांचवें नंबर, छठे नंबर, सातवें नंबर, आठवें नंबर, नौवें नंबर, और आपका ये वाला था दूसरे नंबर पे। अगर ये आपको मालूम है, पहले वाले तत्व का नाम अगर मालूम है हर एक समूह में, तो उसका उपयोग कर करके आप क्या कर सकते हैं, जादुई संख्याओं को जोड़ करके जोड़ते जाना, और आपको जादुई संख्या का जोड़ से आपको प्राप्त हो जाएगा उन संख्याओं का परमाणु क्रमांक। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको जोड़ते जाना है, पहले वाले तत्व का परमाणु क्रमांक में आपको आगे जोड़ते जाना है और आखिरी डिब्बे में पहुंच जाना है। मैं यहाँ पे आखिरी डिब्बे नहीं बनाया, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना है तत्व की नाम, जैसे कि अगर मैं पहले समूह के तत्व में जादुई नंबर का उपयोग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे छह जादुई नंबर है और यहाँ पे आपके पास तत्वों की संख्या इस अवर्त में है। अब सर वर्ग में ही लेकर के आप उस जादुई संख्या का उपयोग करेंगे, अवर्त में नहीं, सिर्फ वर्ग में। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें 1 नंबर पे आता है, अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 3 नंबर पे आएगा, फिर 3 में आपको 8 जोड़ देंगे तो 11 आएगा, 11 है। फिर आप अगर आगे और 8 जोड़ेंगे तो आपके पास 19 नंबर मिलेगा, फिर 8 जुड़ चुका है, फिर 18 जोड़ेंगे तो आपको 37 नंबर मिलेगा, फिर इसके बाद फिर 18 जोड़ेंगे तो 37 और 18 हो जाता है 55 आपका, और लास्ट में आपको 32 जोड़ देने से आपको मिल जाएगा, ये है आपका 55, 55 में 32 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 87। इस प्रकार से जोड़ते गए। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बोल के बता रहा हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट हम देख रहे थे कि इस समूह के दूसरे समूह के लिए किस प्रकार परमाणु क्रमांक निकालें जादुई संख्या का उपयोग करके। तो मैंने बताया था कि जैसे इसमें आपके पास 6 तत्व आ रहे हैं, गिनकर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 तत्व आएंगे, तो आपको 5 इसमें जादुई अंक का उपयोग करना है। तो आप यहाँ से इस 2 को दिमाग से हटा दीजिए और आपको ये 8 नंबर इसमें से ये आपका 5 नंबर आपको क्या करना है, इस 6 तत्वों के लिए यूज करना है, जिसके लिए आपको इस पहले तत्व का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। तो उसमें आप जोड़ते जाइए, फिर आपका क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक निकलते जाएगा। 4 में 8 जोड़ा तो आ गया 12, फिर वो 12 तुम्हारा 8 खत्म हो गया, 12 के बाद 8 खत्म हो गया, फिर उसके बाद फिर 8 जोड़े तो आपको 20 मिलेगा, ये 20 है, फिर आपके बाद 18 जोड़ेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 38, 38 ये 38 है, फिर आपके पास मिल जाएगा 38 मिनट जोड़ेंगे तो 56, फिर आपके पास 32 जोड़ेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 88 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जितने तत्व इसमें होते हैं उससे एक कम करके आपको जादुई अंक का उपयोग करना है। जादू का किस प्रकार उपयोग किया जाता है उसी को बता रहा हूँ आपको। जादू तो दे दिया मैं, लेकिन जादू का उपयोग कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर इस समूह में आए, ये 13वां समूह है, इस समूह में अगर आए तो बोरॉन का जैसे परमाणु क्रमांक होता है 5, आगे वाले का निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा इसमें कितने तत्व आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 पांच तत्व आ रहे हैं, पांच तत्व आएंगे तो आपको 4 एक कम करके आपको जादुई नंबर का उपयोग करना है। जैसे कि अगर इसमें देखा है 6 जादुई अंक होता है तो 5 नाम आ रहे हैं तो मैं 4 का यूज करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का यूज करूंगा। ठीक है, तो करते हैं, जैसे 5 करता है तो 8, तो ये वाला 8 आ रहा है तो 5 8 13 हो गया, उसके बाद 18 जोड़ेंगे तो आपके पास 31 मिल जाएगा, ये 31 है। ठीक है, जब जोड़ते जाएंगे तो आपको मिलते जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 31 है, फिर आपके पास 18 को जोड़ चुके हैं, फिर 18 जोड़ेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 49, आपके पास 49 मिल जाएगा, और लास्ट में 32 जोड़ेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 81 मिल जाएगा 81। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस समूह के लिए भी क्या कर सकते हैं, इन समूहों के लिए भी आप उसका उन तत्वों के परमाणु क्रमांक कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें सबने 5 5 है, आप देख सकते हैं सबने ऐसे ही करना कि आपको 4 नंबरों को जोड़ जोड़ करके आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक निकालना है। अब लास्ट में आपको ये वाला बताया था, जैसे इसमें कितने नाम है, 1 2 3 4 5 6 नाम आ रहे हैं, तो इन 6 तत्वों के लिए आपको 5 जादुई नंबर का उपयोग करना है। तो जैसे कि ई, इसको 2 को हटा देता हूँ दिमाग से,
ठीक है, ये दो को दिमाग से हटा दिया तो एक दो तीन चार पाँच, पांच नंबर के यूज करते हैं। तो जैसे कि आठ जोड़ते हैं तो आपके पास दस हो जाएगा, ये दस है ठीक है। फिर आपके पास आठ जोड़ने के बाद फिर आठ जोड़ेंगे तो अठारह हो जाएगा, फिर अठारह जोड़ेंगे तो छत्तीस हो जाएगा आपके पास 36, फिर आपके पास अठारह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54 54, फिर आपका फिर अगर देखा जाए लास्ट में 32 जोड़ा जाए तो आपके पास हो जाएगा 86 86। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग इस जादुई संख्या का जादू की तरह उपयोग करके हमने परमाणु क्रमांक निकाले हर एक समूह के हर एक तत्व का, ठीक है। तो इस प्रकार जादुई संख्या का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि जादुई अंक के उपयोग से किस प्रकार से अवर्त सारणी में उसके वर्गों में आने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या कैसे निकाल सकते हैं। मैं एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ कि आपके पास जादुई अंक छः होता है तो आपको पांच तत्वों के लिए आप चार जादुई अंक यूज करना, सात तत्वों के लिए आप छः जादुई अंक यूज करना, यानी एक कम करके आपको जादुई अंक का उपयोग कर करके जोड़ जोड़ के क्या करते हैं लिखते जाना है, जिससे आपको परमाणु क्रमांक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग थिंग्स हम लोग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।